अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 29 अगस्त 2024 है, तो आज हम कोरू बाज़ार में आ चुके हैं। तो आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि पानी आपको नज़र आ रहा है, तो बता दें यहाँ पर कहाँ कहाँ पानी आया है। तो बने रहें, जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों इस साल गोकाक में तीसरे बार ये पानी आ रहा है, तो आपको बताते हैं नज़ारा कहाँ कहाँ आया है। दोस्तों ये पुराना गोरू का बाज़ार है, यहाँ पर मार्केट भी लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा पानी गटरों के ज़रिए से और पूरा पानी भरा हुआ है। अभी कब्रिस्तान में भी पानी आ चुका है। दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पर गटर है, जो नाली बनी हुई है, बड़ी नाली है। तो यहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। अभी रोड पर आने के लिए एक घंटा अगर एक फुट अगर पानी चढ़ेगा तो ये पूरा एक फुट अगर पानी बढ़ेगा तो यहाँ पर पूरा पानी आएगा। अभी यहाँ पर कुछ एक गैरेज के अंदर पानी आ चुका है, देख सकते हो ये पूरा पानी के अंदर है। ये टू व्हीलर की गैरेज है, तो ये भी पूरा पानी के अंदर। क्या तुम्हें भी खाली करने हैं? अभी खाली करने का वर्ष, कितने आराम से इत्मीनान से बैठे हैं। यहाँ पर देख सकते हो पूरा एक चार इंच पानी ऊपर चढ़ेगा तो दुकान के अंदर आ जाएगा। दोस्तों ये देख सकते हो ये मस्जिद अंबिया कब्रिस्तान का इलाका है। यहाँ पर तो अभी शुक्र है पानी नहीं है, 3 दिन से पानी पड़ रहा है, मगर बहुत स्लो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये मस्जिद अंबिया का गेट ये नया बनाया गया है, ये देख सकते हो मस्जिद अंबिया कब्रिस्तान कमेटी गोकाक। तो ये मस्जिद अंबिया का नज़ारा आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो एक कब्रिस्तान के अंदर पानी आपको नजर आ रहा है। ये तीसरे बार है भाइयों, बनाने का मकसद है एक गोकाक के अंदर जब बारिश का मौसम आता है तो पानी रहता है। ये देख सकते हो ये कब्रिस्तान में अभी थोड़ा है पानी, क्या पता पानी अगर बारिश हो जाएगा तो और भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए लोगों की बहुत फरमाइश हो रही थी कि वीडियो बना के डालें, तो इसलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह है गोकाक कब्रिस्तान के अंदर की जितनी भी कब्रें हैं, अभी फ़िलहाल पानी के अंदर है। दोस्तों यह है कब्रिस्तान, गोकाक कब्रिस्तान के पीछे का नज़ारा आपको बता रहे हैं। ये पूरा अभी पानी के अंदर है, पानी तो अभी कम है, तो दुआ करें पानी ज़्यादा ना आए तो अच्छा होगा, क्योंकि पानी आ जाएगा तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होता है। ये देख सकते हो अभी फिलहाल पानी इतना है। ठीक है भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पानी चढ़ा तो इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे, नहीं चढ़ा तो नहीं दिखाएंगे। तो दुआ करें पानी ना आए तो बेहतर है, क्योंकि पानी आएगा तो लोगों को बहुत परेशानी होती है, इस कब्रिस्तान में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है।